नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, कहां तक पहुंची डीग कुम्हेर की विकास यात्रा, विधायक विश्वेंद्र सिंह के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट, कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। डीग कुम्हेर सीट प्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां पूर्व राज परिवार का दबदबा रहा है। ये रोचक छोटा सा नगर अपनी बेजोड़ किलेबंदी, अत्यधिक सुंदर बगीचों और कुछ भव्य महलों के कारण दर्शनीय है। पूरे उत्तर भारत में हिंदू शैली के एकमात्र महल डीग के जल महल है। इन महलों में काम लाई गई तकनीक आज भी आधुनिकतम बनी हुई। विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, वे कांग्रेस से डीग कुम्हेर के मौजूदा विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी शैलेश सिंह को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2008 में डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर दिगंबर सिंह विधायक बने और सरकार में मंत्री रहे। 2013 के चुनाव में कांग्रेस से विश्वेंद्र सिंह ने डॉक्टर दिगंबर सिंह को चुनाव में हराया और 2018 के चुनाव में डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह को विश्वेंद्र सिंह ने हराया। विश्वेंद्र सिंह गहलोत सरकार में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो डीग कुम्हेर विधानसभा में 2,40,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,400 महिलाएं और 1,24,712 पुरुष मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 80,000 जाट समुदाय से मतदाता हैं और 41,000 जाटव समुदाय की वोटर। इसके अलावा 14,000 वैश्य समुदाय से मतदाता हैं, तो ठाकुर और राजपूत समाज से 20,000 मतदाता हैं, जबकि ब्राह्मण समाज से 16,000 मतदाता हैं और करीब 70,000 अन्य समुदायों से वोटर हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो डीग कुम्हेर में पेयजल, सड़क और बिजली की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा भी बड़ा है, क्योंकि लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है। बेरोजगारी के चलते युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली और पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत खराब है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो विकास के कार्य कभी नहीं हुए वे मंत्री विश्वेंद्र सिंह के कार्यकाल में करवाए गए। डीग कुम्हेर में हुए विकास कार्यों की बात करें तो डीग को जिला बनाने की मांग कई सालों से की जा रही थी, लेकिन विश्वेंद्र सिंह के प्रयासों के बाद डीग को जिले की घोषणा हुई। इतना ही नहीं, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने रारह को तहसील बनवाया। साथ ही उनके प्रयासों से कई चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं, उच्च माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया और कई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाए गए। इसके अलावा उन्होंने सड़कों के विकास के लिए विधायक कोष से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। 50 सालों से हमारी ये मांग थी कि डीग को जिला बनाया जाए और महाराज साहब के अथक प्रयासों से महाराज साहब ने दिन रात एक करके डीग को जो जिले का दर्जा दिलवाया है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, सराहनीय कार्य है। सारे गांव के जो कच्चे रास्ते थे, जो जर्जर पड़ी सड़कें थी, उनको कम्प्लीट करवाया। और दूसरी बात, जो ये कुम्हेर से होके नदबई होके और एक इडली तक जनूतर तक ये जो मेगा हाईवे बनवाया है महाराज साहब ने, तो इससे है ना टोटल जो हमारे कुम्हेर के कुम्हेर विधानसभा के जो गांव हैं नदबई होके ये जुड़ते हैं जनूतर केडली होके, वो रोड कंप्लीट हो गया है, लगभग थोड़ा बहुत बस बचा है और उसका कार्य चल रहा है। इस सीट से बीजेपी की ओर से डॉक्टर शैलेश सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने विधायक विश्वेंद्र सिंह पर विकास के कार्य करवाने में नाकाम होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सड़कों की खस्ता हालत और डीग नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के भी विधायक पर निशाना साधा। डीग कुम्हेर की जो स्थिति पिछले 5 सालों के अंदर हुई है बहुत ही बदतर स्थिति है। खास तौर पर जो सड़कों का खस्ता हाल इन पिछले 10 सालों के अंदर डीग कुम्हेर में हुआ है, निश्चित तौर पर बड़े वाहन भी बड़ी कारें भी उसमें से नहीं निकल पाती, ऐसा सड़कों का हाल हो रहा है। पैदल निकलना तो बहुत मुश्किल है
और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी डीग नगर पालिका है वो देश की मैं समझता हूं कि सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है। उसने डीग के अंदर जनता को इतना त्रस्त किया हुआ है, डीग में 8-8 करोड़ रुपए के लाइटों के टेंडर हो जाते हैं और डीग फिर भी अंधेरा का अंधेरा डीग में छाया रहता है। ऐसी परिस्थिति है हमारे विधायक महोदय की, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। रारे पूरी तहसील को डीग के अंदर जोड़ दिया गया, पूरी कुमेर तहसील को डीग के अंदर जोड़ दिया गया, लोग हाहाकार करते रह गए लेकिन किसी की कोई सुनवाई कहीं पर नहीं होती। भरतपुर से डीग को नया जिला बनवाने के बाद कुमेर इलाके के लोग विधायक विश्वेंद्र सिंह से नाराज हैं, इसीलिए कांटे की टक्कर हो सकती है। लोगों का कहना है कि पूर्व राज परिवार के लिए ही वोट देंगे, मगर नया जिला बनने के बाद एक इलाके के लोग नाराज हैं। चुनाव आने पर नाराज लोगों को विश्वेंद्र सिंह कैसे मना पाते हैं ये अलग बात है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। 50 सालों से हमारी ये मांग थी कि डीग को जिला बनाया जाए और महाराज साहब के अथक प्रयासों से महाराज साहब ने दिन रात एक करके डीग को जो जिले का दर्जा दिलवाया है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, सराहनीय कार्य है। सारे गांव के जो कच्चे रास्ते थे, जो जर्जर पड़ी सड़कें थी, उनको कंप्लीट करवाया। और दूसरी बात, जो ये कुम्भेड़ से होके नदवई होके और एक इडली तक जनूतर तक ये जो मेगा हाईवे बनवाया है महाराज साहब ने, तो इससे है ना टोटल जो हमारे कुमेर के कुमेर विधानसभा के जो गांव हैं नदवई होके यूँ जुड़ते हैं जनूतर खेड़ली होके, वो रोड कंप्लीट हो गया है लगभग, थोड़ा बहुत बस बचा है और उस पर कार्य चल रहा है। डीग कुमेर की जो स्थिति पिछले 5 सालों के अंदर हुई है बहुत ही बदतर स्थिति है। खास तौर पर जो सड़कों का खस्ता हाल इन पिछले 10 सालों के अंदर डीग कुमेर में हुआ है, निश्चित तौर पर बड़े वाहन भी बड़ी कारें भी उसमें से नहीं निकल पाती हैं, ऐसा सड़कों का हाल हो रहा है, पैदल निकलना तो बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी डीग नगर पालिका है वो देश की मैं समझता हूं कि सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है। उसने डीग के अंदर जनता को इतना त्रस्त किया हुआ है, डीग में 8-8 करोड़ रुपए के लाइटों के टेंडर हो जाते हैं और डीग फिर भी अंधेरा का अंधेरा डीग में छाया रहता है। ऐसी परिस्थिति है हमारे विधायक महोदय की, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। रारे पूरी तहसील को डीग के अंदर जोड़ दिया गया, पूरी कुमेर तहसील को डीग के अंदर जोड़ दिया गया, लोग हाहाकार करते रह गए लेकिन किसी की कोई सुनवाई कहीं पर नहीं होती। विधायक का लगभग 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के लिए जा रहा है और यहाँ डीग कुमेर से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनका किस तरह का कामकाज रहा है, उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के कामकाज कराए हैं। आज हम डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र के जो कई गांव हैं वहाँ पर जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह का उनका रिपोर्ट कार्ड रहा है, क्या चुनावों के दौरान जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं या फिर वो वादे अधूरे रहे हैं। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से 5 साल का जो कार्यकाल लगभग पूरा होने को जा रहा है, क्या क्या कार्य कराए गए हैं, किस तरह से कार्य डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में होने चाहिए थे, क्या विकास कार्य देख रहे हैं आप डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में? जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में महाराज साहब जब से यहाँ जीते हैं, ये जाटों का बाहुबल क्षेत्र है और जाट ही हमारे महाराज हैं, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ का जो है जीतने के बाद महाराज ने कभी स्टेप नहीं लिया, कार्य में कोई किसी प्रकार का भाग नहीं लिया है। ठीक है, एक बार हमारे यहाँ शहीद के लिए मूर्ति वहाँ आए हुए थे रारे में, और वैसे फिर वहाँ जो उन्होंने बातचीत जो शहीद के लिए किया, इसके बाद हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य सड़क से लेकर के और कोई भी कार्य टंकी से लेकर के कोई भी कार्य उन्होंने सफलता नहीं दिलाई। हमारे यहाँ के 2 पंचायत सदस्य दीपू हैं, बुरावी क्षेत्र से, बुरावी गांव के हैं, उन्होंने 7 तरह की जो है सड़क की व्यवस्था की वो कराई, बुरावी की सड़क की कराई, टंकी लेके आए। जो दीपू यहाँ कार्य कर रहा है महाराज साहब का यहाँ 0 बैलेंस भर कर रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं कि 5 साल अब हैं और उससे पहले भी वो रहे सरकार में, तो वो कहते हैं कि कई विकास कार्य ऐसे हैं जो डीग कुमेर को कई वर्षों पहले नहीं मिले लेकिन वो अब कराए गए हैं। उनका कहना तो ये कि सड़कें बनवाई गई हैं, अस्पतालों का निर्माण कराया, स्कूलों को क्रमोन्नत कराया, इस तरह के अस्पताल जो आए हैं वो है हमारे डॉक्टर दिगंबर सिंह मंत्री जो रहे थे उनकी ही देन थी, न कि महाराज साहब की। दूसरी बात यह है कि महाराज साहब जीतने के बाद में फिर तो ये किसी तरीका से झांक भी नहीं रहे, कोई जातीय पुकार किसी प्रकार की बात ही नहीं बन पा रही है।
और ये सड़क आप लोग देख के आ रहे होंगे वहाँ की दुर्दशा कैसी है। हम कम से कम साल भर पहले से लोग चिल्लाते रहे और कार्यालय में जो है और जाते रहे और उनके जो कुंवर साहब लड़के हैं और उनसे भी कई बार हमने कहा था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। किस तरह देखते हैं आप पाँच साल का जो कार्यकाल रहा है, होने जा रहे हैं पाँच साल पूरे को, क्या विकास कार्य होने चाहिए थे डींग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह से हुए हैं? ये हमारे साथी ने बताया ना वाल कि ये महाराष्ट्र साहब का हमारे यहाँ क्षेत्र में तो जीरो रहा है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कहा कहते हम सराहें इनको, और जो एक आध दो काम किए भी हैं तो हमारे ये दो पंचायत सदस्य हुए आए दीपू, वही सड़क लाया है यहाँ पे। फिर ये कांग्रेस ने जो वायदा किए थे, जो चुनाव पहले जो वायदा किए थे किसानों के प्रति, दो दो लाख रुपए हम माफ़ करेंगे कर्ज को, ये पैसा किसी का माफ़ नहीं किया और किसी के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली हमें, जो क्या कहते हैं विधायक कोटा से या अपने जो मंत्री हैं इस कोटा से, कि हमारे गांव के लिए हमारी पंचायत के लिए कोई ऐसा हमें का सबूत मिला कि एक वास्तव के ने अच्छा काम किया है। तो इसलिए ये सरकार हमारी तरफ से तो अच्छी नहीं, और कैबिनेट मंत्री साहब ये भी इनका अभी काम कोई हमें संतोषजनक नहीं मिला अभी तक, ये बात है। ये तो कहते हैं कि कई सारे काम कराए गए हैं, विकास कार्य कराए हैं डीक कुमेर विधानसभा, कहा क्या कराए हैं? एक हमारे संग एक विकास कार्य हमारे साथ कर दिया है, जो हमारी जो तहसील है, ये तहसील है जो क्या कहते हैं हमारी रार है, ये इन्होंने बनाई है, तो इन्हें हमारे ये 10 पंचायत लगती है, इसमें 10 पंचायत लगती हैं, तो 10 पंचायत को यानी भविष्य खतरे में है। आज 100 रुपया यानी खर्च करके वहाँ डीक हम जाएंगे, जब यहाँ एक फ्री में हम जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे मकान है यहाँ ठोरी बर्तपुर में, हमारे सब किस्म बर्तपुर हैं, ये बहुत यानी हमारे लिए ये दुविधा दे दी है, ये हम 10 पंचायतों के लिए तो विशेष करके बहुत नुकसान किया है इन्होंने, ये जिले में हम जोड़ कर पल्ली साइड में जिले में जोड़े हैं जब हम डीग में, तो ये हमें तो कोई इनका कोई विकास लगता नहीं। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाना है किस तरह देखते हैं आप विकास कार्यों को डींग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में। भाई साहब कोई विकास कार्य नहीं है, हालत बहुत ख़राब है यहाँ की, जब से वो बनाए क्या नाम है तुम्हारा विधायक, कुछ नहीं करते हैं, खाली ग्राउंड में ही काम करते हैं। अगर इनकी बैक रिपोर्ट देते हैं तो बहुत ख़राब है, और रोड की कंडीशन देख लो कितनी ख़राब है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, प्लस ये फ्री का लालच दे रहे हैं पब्लिक को। राशन की बात करता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है गवर्नमेंट सर्वेंट को राशन नहीं मिलना चाहिए, पर अदर सभी को मिलना चाहिए जिसका हक है। अब ये कहते हैं साहब साइड नहीं खुली, बम्बई तो खुलती है, दिल्ली तो खुलती है, कौन सी साइड है राशन की कार्ड पब्लिक के तैयार नहीं हुए आज तक, हाँ जबकि इनको कार्रवाई करनी चाहिए, पेपर वर्क तो जरूरी है ना, इनके अधिकारी बैठे हैं, आते हैं मीटिंग करती हैं, बिजली की सप्लाई है रारा पंचायत में, बिजली कंटिन्यूस आती है, यहाँ आनी चाहिए, 1 किलोमीटर का दायरा है रारे का इस गाँव का, और ये हमारी पंचायत भरतपुर के अंडर में आनी चाहिए ना कि डीक के अंडर में, क्योंकि शारीरिक दिक्कत रहती है, वहाँ रेलवे का साधन नहीं है, पब्लिक किस कैसे जाएगी, और रोड फोड़ों की हालात और जैसा भी काम है सही नहीं है, मतलब मामला ख़राब है। नहीं तो यहाँ के जो विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, वो तो कहते हैं कि कई सारी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने की थी उनको पूरा किया गया है, सड़कें बनवाई हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, पानी पहुंचाया है, सभी तरह की जो है उनके द्वारा की जाती है, कुछ नहीं है भाई साहब, ये खाली पेपर वर्क है, ऑफिस में काम होता होगा पर ग्राउंड में कोई काम नहीं है, ये वाले ग्राउंड में कोई काम नहीं है, 0/0 है, गुमराह करते हैं पब्लिक को, कुछ नहीं है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह का कार्य डींग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में। नहीं, हम तो असंतुष्ट हैं साहब, असंतुष्ट हैं, हम तो महाराजा से असंतुष्ट हैं, पूरी तरह वहाँ बैठे रहते ठीक है, ये है किस तरह असंतुष्ट। अरे रोड देख लो, रोड पे कई बार मरीवे गिरीवे में आमे नहीं, कछू में आमे नहीं, और मंत्री बन के बैठे हैं, मतलब हम तो असंतुष्ट हैं कुल मिला। वो तो कहते हैं बहुत सारे काम कराए हैं। नहीं 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 नहीं, हमारी खुद भाभी है साहब, ये हथकाएं, ये रोड जहाँ पे 7 रुपये पर लूट लेते मास्टर ने बिन्ने, ये हथकाएं और पुलिस की निकम्मी, बिल्कुल टोटल महाराजा के आदमी लगे हुए हैं, टोटल भ्रष्टाचार है, जो मानो वैसे ही गुमराह करते हैं पब्लिक को। ये हम तो 55 साल के है गए साहब, इनको वोट देते बिल्कुल बेकार, अब क्या स्थिति नहीं, बेकार है, बिल्कुल बेकार है साहब।
वोट बेकार। हाँ सरकार और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ के निवासी हैं, किस तरह से देखते हैं विकास कार्यों को? विकास कार्य तो आप बिल्कुल कराए नहीं है, आप खुद सड़क पर हो के आए, सड़क सब टूटी फूटी पड़ी हुई है। और 2021 में शहीद के लिए कुछ 2.5 लाख रुपए मंजूर कर गए थे रारे पे, वो आज तक एक पैसा नहीं मिला, वो मूर्ति जो की जो खड़ी हुई है। और वैसी खाली ये कहते हैं साहब शान है भरतपुर की, जाटों की शान है, काय की शान है साहब, जहाँ कोई लठ सुबह आदमी थोड़ी मर रही, जहाँ तो विकास चाहते हैं। व्यक्तिगत कोई नौकरी ना चाह रहा हो क्या, हमको नौकरी दो भाई, हम डीग पहुँचा दिए, माठी 200 रुपये भाड़ी भी चाहिए, तारीख नहीं बनी माठी लौट के आ जाओ वहाँ, क्या रिश्तेदार ने रोको जाए कि नहीं है, क्या मतलब निकल रहा हमारा भरतपुर सही था, एक पैसा का हमारे गाँव में तो कोई कुछ दिखा नहीं, पंचायत में कुछ नहीं है बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, हाँ विधानसभा क्षेत्र, अब साहब अब कहा दिख रहा तुम खुदा है कस दिख रहा कुछ नहीं, लाट सड़कों का कितों को तुम सड़क पे आए क्या, उन तक में कहें कितों जाल दिखा तुमने, जैसे रास्ता तो आए होंगे कैसे आए, कई साल हो गए कहते कहते कई साल, इसको दीपू करा के लाया है माते, हाँ जयपुर से उसकी रैली थी राहुल गांधी की, उसमें अलवर गया था माटिया, उसके सचिव से फोन करा करके जब करा के लाया इसको, इन्होंने तो दो टूक मना कर दी थी कि भाई मेरे बस ही नहीं है बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से वो विकास कार्यों को देखते हैं, क्या विकास कार्य कराए गए हैं डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में? डीक विकास का तो कुछ नहीं, विवाह साहब यहाँ तो होना है, अपने गाँव में बता रहे हैं डीक की तो उन्हें पता होना है, यहाँ तो कुछ विवाह नहीं है, जलो बनाए दिए मैंने, और 200 रुपये किराया लगा, जाओ मार भूखे प्यासे मरो, कोई काम हो तो ठीक है, नहीं फिर आओ वापस फिर लगाओ 200 रुपये। आप डीक जिला बनने से संतुष्ट नहीं है? कतई नहीं। तो आपने कहा अपनी पैरवी की कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, किस तरह पैरवी करिए, कोई मान तो सुनवाई को करता था, खूब करो खूब आंदोलन, कोई सुनवाई नहीं बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, बाबा साहब किस तरह से देखते हैं विकास कार्यों को डीग विधानसभा क्षेत्र में? भैया कच्छू ना विकास कर रहो, जब तक जीतोगा जब तक झांको ही ना, हमारे गाँव के जवान दर्शन ही ना करिए, स्कूल की बाउंड्री पड़ी है, कई ओवेर पैसा मंजूर है आज तक ना आए, न कोई कवरा बने न कछू बो, ये हिसाब किताब है या राजा के, तो राजा एक वोट नहीं मिलेगी। विकास कार्य कराए गए? विकास कार्य तो कराए, एक दो खड़ंजा बनवाए, हमारे सामने भी बुलाया, लेकिन वो बहुत कम तो आते हैं, मिलते नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये गाँव का पुल है, ये टूट गया था, इसमें बहुत परेशानी जनता ने उठाई, बा में भी महाराज साहब ने दर्शन नहीं दिए, पुल को वैसे ही लीप आपूर्ति करके चले गए, ये सड़क भी बनी है भाई, बस सड़क में कोई ध्यान ना दो, और काम तो भैया और ज़्यादा तो कुछ हुए ना, पर मिलते ही बहुत कम है हमारा, मिलते नहीं है। वो तो कहते हैं कि जनता के साथ मेरा सीधा संवाद रहता है, मेरे विधानसभा क्षेत्र जो है मेरा परिवार ना है। कम मिल पाते, कम मिलते। और भी लोग मौजूद हैं, आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार मिलना चाहिए, जिस तरह से मिला है किस तरह से काम कराएगा? बीजेपी बढ़िया रोजगार, बीजेपी दें होते बढ़िया, महाराज तो आमती ना गांव में, दर्शन ही ना दिखा महाराज तो। वो तो कहते हैं काफी विकास कार्य मेरे द्वारा यहाँ पर कराए गए, कुछ भी नहीं कराया यहाँ तो बिल्कुल। और भी लोग हैं डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र के, आप किस तरह से देखते हैं, लगभग 9 साल का उनका कार्यकाल पूर्ण होने को रहा है, यानी 5 साल का पहले का और 5 साल अब ये पूर्ण होने को जा रहे हैं, एक वो कहते हैं कि डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास कार्य कराए गए? देखो साहब एक बात है, उद्योग धंधे हमारे यहाँ कोई नहीं है, सभी युवा आतकाएं बिल्कुल बहुत परेशान है, कोई कहीं धंधा नहीं है, मतलब हाँ सबरी ओ जी हमारा जिलो जी डीग में फेंक दियो, हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे मतलब, और महाराज साहब तो हमसे कभी नहीं मिलते हैं, मतलब हम खूब कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलना चाहते हैं, जनता से कभी नहीं मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जनता से मेरा सीधा संवाद रहता है, मैंने विकास कार्य कराए हैं बहुत ज़्यादा, नहीं वो कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जनता से कभी हम तो आज तक नहीं मिले, मिलने की कोशिश की आपने? खूब मिलने की कोशिश करी लेकिन वहाँ जाते हैं तो कह देते हैं मन के महाराज साहब। और भी लोग हैं, आप किस तरह से देखते हैं विकास कार्यों को डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र में? विकास तो भैया देख न्याठिया तो कत ही राजा तो खुश ना है, और राजा न्यूकेगा भाई हम मिलते हैं कत ही ना मिले, सब तरह का वो जोरी दे दो, जोरी कर रहे हैं जी कर रहे हैं, वोट ले को सब तरह
अवक जिता दो अवक जिता दो या साड़ी की राज रख लो कत ही ना कछु करो आज तक तो वन राजा ने या गाँव काज या सबरी जी हथेगा माठिया फेंक दिए डी गाऊ सबरो सबरों परेशान है सबरी जी हथगा पंचायत सबरी जी हथगा और पा सकी युवा वर्ग सबरों परेशान है ना कोई धंधो ना कोई रोजगार कछु ना है। बिल्कुल और भी लोग हैं किस तरह देखते हैं विकास कार्यों को आप डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है कछु ना कार्यभार कराओ वैसी लीपा पोती करवा जाते हैं और बढ़िया काम करवा मत ना है और चले जाते हैं। क्या क्या बढ़िया होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसो सड़क बन नहीं है तो यहाँ पे खूब जनता ने कहीं माल ना लगे रहो कोई सुनवाई ना करी और जे खरंजरा बने बिना में कोई सुनवाई ना करी वैसी खाना पूर्ति कर जाते हैं। अच्छा और भी लोग हैं आप किस तरह देखते हैं विकास कार्यों को डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र? विकास कुछ नहीं वैसा हमारे यहाँ। क्या होना चाहिए था विकास? बढ़िया बिजली की सब चीज की बढ़िया सुविधा होनी चाहिए और कहा होना चाहिए सड़क की सड़क बढ़िया ना बनी। और किस तरह लोगों के लिए रोजगार मिलना चाहिए था किस तरह? और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं किस तरह देखते हैं आप यहाँ के विकास कार्यों को? विकास तो इनारों को देख लो विकास कार्य 2 महीना ना आया खंजरा बने घर भी लग गो ऐसे विकास कार्य रहे तो वो तो कहते हैं कि मेरे द्वारा कई गांवों में विकास कार्य कराए गए हैं सड़कें बनवाई हैं अस्पताल बनवाए हैं विद्यालय खुलवाए हैं। हमारे में तो कोई बनो ना ना विद्यालय खुलो ना सड़क बनी ये खंजरा बने ये दो ये खरी परे देख लो तो कोई स्कूल ना कोई कच्ची चीज और कुछ दो चार बने चेल आए जा बिनते मिल जाते और फ्री। ये हैं डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ से विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं उनसे मिलने की कोशिश की जाती है मिलते नहीं हैं जनता से सीधा संवाद उनका नहीं हो पाता है। साथ ही विकास कार्यों की बात की तो इनका कहना है कि जो सड़क निर्माण कार्य हो या खरंजा निर्माण कार्य हो उसमें ठेकेदारों द्वारा एक घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है जब इसकी शिकायत की जाती है तो उस शिकायत पर भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है। लेकिन बात की जाए डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में तो जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं या मंत्री विधायक के समर्थक हैं उनका कहना है कि बड़े स्तर पर विकास कार्य यहां पर कराए गए हैं लेकिन धरातल की बात की जाए जनता से बात की तो जनता की बात जो है वो सामने निकल कर के आई कि काम तो कराए हैं लेकिन उच्च क्वालिटी से जिस तरह से काम होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक पुरी न्यूज 18 डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र।